हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दम बिरयानी जो कि हम कुकर में बना के तैयार करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपना चैनल कुक विद आरवी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये हमने लिए हैं एक कटोरी राइस, ये हमने बासमती राइस लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो राइस ले सकते हो। इसको हमने धो लिया है, कुकर में डाल देंगे एक कटोरी राइस, दो कटोरी पानी डालेंगे। इसको हमें पूरा कुक नहीं करना है, हाफ कुक करना है। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। ढक्कन लगा के गैस पर रख देंगे इसको हम। ये हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, बीन्स, कैप्सिकम, कैरेट, पटाटो। आप जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो ले सकते हो। ये हमारे राइस हाफ कुक हो चुके हैं, ये देखिए ये दब नहीं रहा है, टूट रहा है राइस। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डाला हमने ऑयल, ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे ऑनियन, ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है, फ्राई करना है। अगर प्याज का फ्लेवर आपको अच्छा लगे तो आप डालें, नहीं तो अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसके भी कर सकते हो। इसको हाई फ्लेम पे ही हमने फ्राई करना है। ये बिरयानी हम बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल में बना रहे हैं। ये हमारी ब्राउन हो चुकी हैं ऑनियन, इनको निकाल लेंगे। ये हमने कुकर ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी ऑयल में बना सकते हो, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल, जो भी आप ऑयल पसंद करते हो। 2 तेज़पत्ता डाल दिया, 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए, मोटी इलायची, 2-3 लौंग, 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट। कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। दो मीडियम साइज के ऑनियन कट किया है हमने, उसको डाल देंगे, हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 डालेंगे जो हमने वेजिटेबल्स ली थी। एक दो मिनट इनको भूनेंगे। दो टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें बिरयानी मसाला। अगर बिरयानी मसाला नहीं है तो आप इस जगह पे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल सकते हो। आप 1 टीस्पून नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हो। ये हमने 1 कप दही ली है, फेंट लिया है इसको, फ्लेम स्लो कर देंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर हम इसको पकाएंगे तो ये फट जाएगी और चलाते ही रहना है। अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो फ्लेम ऑफ कर दें और फिर दही डालें। अच्छा,
इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स, ये हमने 10-15 मिनट के लिए भिगो दिए थे। वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है वो डालें, और जो इनमें से पसंद नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि यही वेजिटेबल्स डालनी है। एक लेयर राइस की बिछा देंगे आप। ऊपर से ऑनियन डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी। पतली सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये हमने सैफ्रॉन का दूध लिया है, सैफ्रॉन भिगो दिया था हमने दूध में। इसका फ्लेवर भी आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। ऊपर से राइस की एक परत और बिछा देंगे। ऑनियन डाल देंगे। ये हमने लिया है, ये हमने फूड कलर लिया है। कभी आप जब रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हो तो वहाँ पे देखते हो राइस कई कलर के मिलते हैं, तो इसलिए हमने कलर लाने के लिए ये ऑरेंज कलर लिया था। हरा धनिया डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे 1/2 टीस्पून। ढक्कन बंद कर देंगे, स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद चेक करेंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे राइस पक चुके हैं और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये समझो पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसको तुरंत ही गर्म ही सर्व ना करें, इसको थोड़ा ठंडा होने दें, क्योंकि गरम गरम आप निकालोगे चावल टूटेगा। 5 मिनट रेस्ट करने दें, उसके बाद निकालें। ये देखिए बिल्कुल एक एक राइस बना है हमारा, बिल्कुल देखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल में लग रही है ना, हैदराबादी बिरयानी। देखिए एक एक राइस और कलरफुल राइस हैं। आज घर भी मेरा पूरा बिरयानी की खुशबू से महक रहा है। तो इस तरह से आप भी बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि कुकर में दम बिरयानी कैसी बनी। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। इसके साथ ही हमने थोड़ी दही ले ली है। दही में कुछ नहीं करना, ऑनियन डालनी है, ग्रीन चिली डालनी है, हरा धनिया डालना है, कुछ चाट मसाला डालना है, बस हो गया।